एक जंगल में दो हिरन छोटू और लंबू रहा करते थे। छोटू को झूठ बोलकर दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता था। एक दिन शाम के वक्त जब सभी जानवर जंगल में टहल रहे थे तो छोटू सामने से चिल्लाता हुआ आया, भागो भागो वरना मारे जाओगे। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों का उस पर ध्यान गया तो वो उसको देखने लगे। छोटू लंबू के पास आकर रुक गया। हाथी, बंदर और बहुत से जानवर भी वहाँ मौजूद थे। क्या हुआ छोटू, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, मैंने एक शिकारी को हाथ में बंदूक लिए इस तरफ आते देखा है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो अभी यहाँ से भाग चलो। ये सुनकर सभी जानवर भयभीत हो गए और वहाँ से जंगल के अंदर ही भागने लगे। काफी देर भागने के बाद जब सारे जानवर थक कर रुके और सांस लेने लगे तो छोटू जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ छोटू, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? तुम लोग कैसे शिकारी के नाम से ही डर कर भाग रहे थे, मुझे इस बात पर हंसी आ रही है। सुनकर सारे जानवर एक दूसरे को देखने लगे और फिर लंबू बोला, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है, शिकारी से तो हम सभी जानवर डरते हैं, उसकी एक गोली से हम में से कोई भी कभी भी मारा जा सकता है, क्या तुम उससे डर कर नहीं भाग रहे थे? मैं डरूंगा तो तब ना, जब कोई शिकारी असल में आएगा। सुनकर सभी जानवरों को गुस्सा आ गया और लंबू बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम इन्हें तो कहा था कि शिकारी आ रहा है, अपनी जान बचाकर भागो। मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था और मुझे इस बात पर अभी भी हंसी आ रही है कि तुम लोग कैसे डर कर भाग रहे थे। कहकर छोटू जोर जोर से हंसने लगा और बाकी सभी जानवरों को उसकी यह बात बहुत बुरी लगी। कुछ दिन बाद रात के समय जब सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे हुए थे तो छोटू चिल्लाता हुआ भागता आया, भागो भागो भागो, शिकारी हाथ में बंदूक लिए हमारी तरफ ही आ रहा है। उसकी ये बात सुनकर सभी जानवरों को लगा कि ये इस बार सच बोल रहा है, इसलिए सारे जानवर फिर से उसके साथ साथ अपनी जान बचाने के डर से भागने लगे। और काफी देर बाद जब सब थक कर चूर हो गए तो रुक कर सांस लेने लगे। हिरन को हंसता हुआ देखकर सब हैरान रह गए और हाथी बोला, क्या हुआ तुमको, इस तरह किस बात पर हंस रहे हो? मैंने इस बार भी मजाक किया था, असल में इस बार भी कोई शिकारी नहीं आया, मैं तो बस तुम सबको बेवकूफ बना रहा था। तुम्हारी इस झूठ बोलने की आदत की वजह से एक दिन तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा, लंबू ने कहा और फिर सभी जानवर अपने अपने रास्ते को हो लिए। अगले दिन छोटू जंगल की सरहद पर टहल रहा था तभी उसको नजर आता है कि एक शिकारी कंधे पर एक जाल डाले जंगल की तरफ ही आ रहा है। छोटू तेजी से भागता हुआ जंगल के अंदर जानवरों के पास पहुंचा। भागो भागो, जंगल में शिकारी आ रहा है, अपनी जान बचानी है तो भागो। सुनकर किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और हाथी बोला, तुम ऐसा बोलकर हमें पहले भी बेवकूफ बना चुके हो, इस बार तुम्हारी शरारत नहीं चलेगी। लेकिन इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसके पास जाल भी है। सुनकर सभी जानवर उसकी बात को झूठ समझकर वहां से चले गए। लंबू वहीं रुका रहा और बोला, चलो थोड़ा टहल लेते हैं, वैसे भी आज तुमको बुरा लग रहा होगा कि तुम्हारी बात सुनकर कोई भी इधर उधर नहीं भागा। कहकर लंबू हंसने लगा और फिर वो दोनों जंगल में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों ऐसी जगह पहुंचे जहां चांद की रोशनी ना होने की वजह से अंधेरा ज्यादा था। वहां शिकारी ने अपना जाल बिछाया हुआ था, गलती से लंबू का पैर उसमें फंस गया और वो उसको छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा।
छोटू ने देखा कि लंबू फंस चुका है तो वो उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लंबू उस जाल में पूरी तरह फंस गया था और अब वो ठीक से हिलने डुलने लायक भी नहीं रहा। छोटू, इस जाल से मुझे निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, जल्दी से जाकर किसी जानवर की मदद लो वरना शिकारी आया तो मुझे अपने साथ ले जाएगा। सुनकर छोटू डर गया और बोला, तुम फिक्र मत करो लंबू, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। कहकर छोटू वहां से चला गया और मदद मांगने के लिए इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर बाद उसको हाथी नजर आया। सुनो हाथी, मेरा दोस्त लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है, जल्दी से मेरे साथ चलकर उसको जाल से निकालो। अब बस भी करो छोटू, तुम पहले भी इस तरह सबको बेवकूफ बना चुके हो। लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा यकीन करो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं इस बार बेवकूफ नहीं बनने वाला। कहकर हाथी वहां से चला गया। अब छोटू भाग कर आगे निकला तो उसने पेड़ पर बंदर को बैठे हुए देखा। बंदर भाई, जल्दी से मेरे साथ चलो, लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है, अगर उसको नहीं निकाला गया तो शिकारी उसे अपने साथ ले जाएगा। छोटू भाई, पहले भी दो बार तुम झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बना चुके हो, अब तुम्हारी चाल नहीं चलने वाली। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बंदर ने उसकी बात बीच में ही छोड़ दी और पेड़ों से कूदता हुआ वहां से चला गया। अब छोटू को अपनी गलती का अंदाजा हो चुका था, वह अपना मुंह लेकर अकेला ही लंबू की तरफ बढ़ने लगा। पहुंचते हुए उसे दिन निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसको अकेला देखकर लंबू हैरान रह गया। क्या हुआ छोटू, क्या तुम्हें कोई नहीं मिला? मैंने जिससे भी मदद के लिए कहा सबने यही समझा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, अगर मुझे झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाने की आदत ना होती तो आज वो मुझ पर विश्वास करते। तभी छोटू की नजर पेड़ों पर उछलते कूदते हुए बंदर पर पड़ी और उसने लंबू से कहा, वो देखो बंदर, तुम मुझसे मदद के लिए कहो, कहीं वो चला ना जाए। सुनकर लंबू ने जोर जोर से आवाज करना शुरू कर दिया, जिसको देखकर बंदर की उस पर नजर पड़ी और वो पेड़ से नीचे आकर देखने लगा। बंदर ने देखा कि लंबू जाल में फंसा पड़ा है और छोटू उसके पास खड़ा हुआ है। अरे, मुझे तो लगा था कि हमेशा की तरह ये छोटू झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम तो सच में फंसे हुए हो। कहकर बंदर जाल को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जाल को टस से मस ना कर सका। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी हाथी को बुला कर लाता हूँ, इस जाल से वही तुमको आजाद कर सकता है। कहकर बंदर वहां से चला गया। काफी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ हाथी और बहुत से दूसरे जानवर भी वहां आ गए। ये देखकर छोटू और लंबू खुश हो गए। हाथी ने अपने मजबूत दांतों को जाल के अंदर डाला और ऊपर उठाया, जाल एक तरफ से हट गया और लंबू आधा जाल से निकल गया। लेकिन जब उसने दूसरी तरफ से शिकारी को आते देखा तो सारे जानवर वहां से भागने लगे। जब शिकारी ने लंबू को जाल में फंसा देखा तो वो खुश हो गया। अब छोटू जो कि थोड़ी दूर पर खड़ा था, उसने जानबूझकर आवाज करना शुरू कर दिया और शिकारी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। ये देखकर शिकारी ने सोचा कि एक तो फंसी चुका है, एक और हिरन मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कहकर वो छोटू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब ये देख हाथी दोबारा से लंबू के पास आया और उसने जाल की दूसरी तरफ भी अपने दांत फंसाए और ऊपर उठाकर उसको जाल से आजाद कर दिया। फिर लंबू आजाद होकर चिल्लाया, छोटू, शिकारी तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, अपने आप को बचाओ। ये सुनकर छोटू समझ गया कि लंबू आजाद हो चुका है और फिर वो भी जंगल में एक तरफ भाग निकला। शिकारी ने देखा कि हिरन जाल से निकल चुका है तो वह गुस्से से अपने बाल नोचते रह गया। छोटू भी जल्दी से घूमकर सबके पास पहुंचा और फिर सारे जानवर एक साथ जंगल की तरफ भागे
और शिकारी की आंखों से ओझल हो गए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी को झूठ बोलकर बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। सुनकर सारे जानवर खुश हुए और अब छोटू को उसकी गलती का एहसास हो गया था।